हाय दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मानसी एजीएस बिल्डर में आपका स्वागत करती हूं। और आज आपके लिए लेके आई हूं 3 BHK की प्रॉपर्टी, जिसकी आपकी लोकेशन रहने वाली है गांधी चौक की। और मैं आपको बताना चाहती हूं, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहां से, वो रहने वाला है आपका द्वारका मोड़ का। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स की दूरी पे आई है आपका मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। ये प्रॉपर्टी आपको लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ मिलने वाली है। एरिया की अगर बात करें तो एरिया रहने वाला है 90 स्क्वायर यार्ड्स का। और गाइस, सारी बेसिक एमिनिटीज़ इस प्रॉपर्टी के आसपास आपको मिलने वाली है। ये प्रॉपर्टी मार्केट के बिल्कुल पास में है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का टूर कराते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ इस प्रॉपर्टी की। सबसे बढ़िया बात जो है, इस प्रॉपर्टी में आपको मिलती है एक ओपन किचन। अगर आपको वो देखनी है तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। एरिया में, जैसे कि आप देख सकते हो कितना ही ज्यादा स्पेशियस ये लिविंग एरिया है आपका। साथ ही साथ कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा गजब है। बिल्कुल डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और कुछ सारी चीजें डिफरेंट मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो वॉल पे हमने टाइल का डिजाइन बनवाया है। जैसे कि आप देख सकते हो टाइल की कटिंग के साथ आपका यहाँ पे पूरा पैनल रेडी करवाया हुआ है। यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम के साथ ये बहुत ज्यादा कूल लग रहा है आपका प्लेस। ये प्लेस एकदम आपके घर जैसा नहीं है, बिल्कुल मस्त चिलिंग प्लेस, एकदम बढ़िया। जैसे कि आप देख सकते हो जो सोफे के कलर्स है वो भी थोड़े अलग है। वाइब्रेंट कलर्स में हमने आपको सोफा दिया है, साथ ही साथ आपको सेंटर टेबल भी दी है, साथ ही साथ आपको 2 पफेक्स भी दिए हैं। आप देख सकते हो कि आपके जस्ट सोफे के अपोजिट यहाँ पे आपको LED पैनल मिलता है। LED पैनल भी एक इतना बड़ा फुल साइज का हमने पूरा पैनल रेडी करवा के दिया हुआ है। और यहाँ पे आपके लिए एक आर्च बना के दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें फोकस लाइट्स के साथ हमने आपको डेकोरेटिव आइटम्स रखने की जगह भी दी है। आप इसको डेकोरेटिव आइटम्स की तरह रखने हैं वैसे रख लो, या फिर आपको अपना कोई भी स्टोरेज रखना है तो आप वैसे भी इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपका टीवी आ जाएगा, नीचे आपके टीवी की सारी एक्सेसरीज आ जाएगी, स्टोरेज आ जाएगा। और सबसे मेन बात इसकी है ये फॉल सीलिंग और ये फैन। आप देख सकते हो फैन कितना ही ज्यादा शानदार है, कितनी मस्त लाइट्स फैन में भी आपको यहाँ पे लगा के दिया है। फॉल सीलिंग तो है ही जबरदस्त, लेकिन ये फैन की जो लाइट्स है ये इसमें 4 चांद लगा रही हैं। और सबसे बढ़िया बात इस प्रॉपर्टी की मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है ये ओपन किचन। गाइस देख सकते हो ओपन किचन है आपके लिविंग एरिया से जस्ट ऐसे आओ, और एकदम बढ़िया मस्त इसमें आराम से 7 से 8 जने बैठ के काम कर सकते हैं। आप देख सकते हो सारी चीज़ें बिल्कुल एडवांस है। चिमनी भी यहाँ पे आपको एडवांस लगा के दी हुई है। सारे कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे, और यहाँ पे ये शोकेस वगैरह सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे अलग से आपके क्रॉकरी के लिए बना के दिया है। आप अवन भी सेट कर सकते हो अपना यहाँ पे। ये आपकी सैनिटरी एरिया हो गया, जिसमें आपकी सिंक आ जाती है। सारी सैनिटरी फिटिंग्स आपकी सारी की सारी प्रीमियम क्वालिटी की है। नीचे जितने भी बास्केट्स हैं आपके लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग बास्केट दी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी इजी मूविंग बास्केट्स हैं। और आपको इस किचन में बिल्कुल भी स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और लुक देखिए गाइस, यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स के साथ जो हमने आपको लुक बना के दिया हुआ है वो तो और भी ज़्यादा गजब है। फॉल सीलिंग देखिए, जो आपकी लिविंग एरिया की फॉल सीलिंग है वो आपकी किचन में भी ऐड हो रही है, जो कि आपके किचन को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना रही है। यहाँ हमने अलग हैंगिंग लाइट्स लगा के दी है, जो आपका मेन है लिविंग एरिया और किचन का, यहाँ पे अलग हैंगिंग लाइट्स लगा के दी है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। किचन के जस्ट अपोजिट आपको दिखाना चाहते हो, यहाँ पे हमने डेकोरेटिव आइटम के लिए आपकी शेल्व्स लगा के दी है। फोकस लाइट्स भी यहाँ पे आपको लगा के दिया है। यहाँ पे आप अपना कोई भी सामान रख लीजिए, आपके डेकोरेटिव आइटम्स रख लीजिए, वो तो हमने आपके लिए ऑलरेडी रख के दिए हुए हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि ये क्या लुक देगा। देख लीजिए, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, लिविंग एरिया और किचन के बीच में भी आपका बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप चेयर टेबल डाल सकते हैं। इस साइड वाले इस टेबल टॉप को आप बना सकते हैं अपना डाइनिंग एरिया, यहाँ पे चेयर डाल के आराम से बना सकते हैं। उधर आपकी पूरी किचन आ जाएगी, स्टोव आ जाएगा, सब कुछ।
सबसे जबरदस्त फायदा है इस प्रॉपर्टी का, तो चलिए लेके चलती हूँ इसके फर्स्ट बेडरूम में। तो यहाँ आ गए हम इसके फर्स्ट बेडरूम में। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट बेडरूम में वार्डरोब तो आपको फुल साइज की दी है। यहाँ पे आ जाती है आपकी स्टडी टेबल और ड्रेसिंग टेबल, ये आप इसको स्टडी टेबल की तरह यूज कर सकते हैं। ये पूरा ड्रेसिंग आ गया है। स्टोरेज देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल पूरा स्टोरेज आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड में आपको स्टोरेज बना के दिया हुआ है। और वार्डरोब का साइज देख लीजिए गाइस, कितनी ज्यादा बड़ी वार्डरोब है। और कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो कैसी डिजाइनिंग करके दी हुई है आपको यहाँ पे ब्राउन और व्हाइट में, जो कि बहुत ही ज्यादा गजब लग रही है। बेड के साइड में आपको यहाँ पे कितना स्पेस मिला हुआ है ये भी आप खुद देख लीजिए। क्विल्टिंग वर्क और जो वुड का पैनल है, इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त लग रहा है जो कि बहुत ही अच्छी लुक दे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी फॉल सीलिंग जो है बिल्कुल डिसेंट रूप में रखी है। थोड़ी सी कलरफुल लाइटनिंग हमने आपको यहाँ पे लगा के दी हुई है ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए इस बेडरूम का। इस बेडरूम में आपको मिलता है अटैच वॉशरूम जैसे कि आप देख सकते हो। और हाँ, वॉशरूम से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बेडरूम में आपको वेंटिलेशन की कोई भी कमी नहीं होने वाली। पूरा वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे शाफ्ट विंडो आपको यहाँ पे लगा के दी हुई है। और ये रहा आपका अटैच वॉशरूम जो कि फुल साइज का है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। साथ ही साथ मिरर भी आपको यहाँ पे लगा के दिया हुआ है। ऑल दो आपके रूम में भी बिग साइज का मिरर है, बट हमने वॉशरूम में भी आपको मिरर प्रोवाइड किया हुआ है। स्प्लिट एसी का प्रोविजन भी आपको यहाँ पे लगा के दिया हुआ है। तो एक बेडरूम में और क्या चाहिए गाइज। तो लेके चलती हूँ सेकेंड बेडरूम में। आइए, सेकेंड बेडरूम में जाने से पहले आप एरिया देखिए गाइस। यहाँ से ये आपका फर्स्ट बेडरूम निकलता है, ये पूरा एरिया आपके लिए खाली है। पूरा स्पेस लॉबी है, एक पूरी लॉबी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम में गाइस। सेकेंड बेडरूम की सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है ये स्लाइडिंग वार्डरोब जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। हमने इस वार्डरोब के जो डोर है उस पर हमने आपको पूरा मिरर सेट करके दिया हुआ है कि आपको बेडरूम में मिरर की और कहीं जरूरत नहीं है। पूरा आपको मिरर वर्क में दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इजी मूविंग ये स्लाइडर है। आप खुद देख सकते हैं कितना इजी मूविंग, अपने आप ही बंद हो रही है। नीचे भी अलग स्टोरेज आपको दिया हुआ है। और इस रूम में थोड़ा आपको अच्छा कोजी से नहीं लग रहा हो, जस्ट बिकॉज आपकी जो फॉल सीलिंग है उसमें जो कलर्स हमने आपको लगा के दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे और एलिगेंट कलर्स लगा के दिए हैं। और इस बेडरूम की जो थीम है, आप देख सकते हो जो आपको बाहर सोफा दिखाया था उस कलर का ये थीम पूरा बना के दिया हुआ है, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ था। तो आपके लिए ये क्विल्टिंग वर्क भी उसी कलर में पूरा रेडी किया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा है। ये रूम थोड़ा ज्यादा स्पेशियस है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देख लीजिए बेड के साइड में कितना ज्यादा स्पेस है। यहाँ पे आपको यहाँ पे विंडो भी काफी बड़ी मिलती है, विंडो एसी का प्रोविजन भी मिलता है। आपके जो क्विल्टिंग वर्क हो रखा है सेम कलर के आपको कर्टेंस भी लगा के दिए हैं। और इस बेडरूम में भी आपको एलईडी पैनल मिलता है जो कि ग्रे कलर का है। एलईडी पैनल के अलावा आप यहाँ पे अपना लैपटॉप वर्क कर सकते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सबका, आप यहाँ पे आराम से अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी आ जाएगी बुक्स का स्टोरेज, ऊपर आपका आ जाएगा फाइल्स वगैरह का स्टोरेज। बिल्कुल परफेक्ट स्टोरेज, परफेक्ट बेडरूम ये हो सकता है आपके लिए। तो चलिए लेके चलती हूँ इसके थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसका कॉमन वॉशरूम जो कि है ये। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन टाइल्स का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फ्लोर की टाइल्स जो है वो नॉन स्लिपरी टाइल्स है। साथ ही साथ जो वॉल्स की टाइल है वो वाइट कलर में दी है। वेंटिलेशन की इस वॉशरूम में कोई भी कमी नहीं होने वाली। आप देख सकते हो फुल साइज की विंडो आपको यहाँ पे लगा के दी हुई है, मिरर भी लगा के दी हुई है लाइट वाला। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब लास्ट रह गया हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में देखना चाहती हूँ कैसा है, मैंने खुद नहीं देखा है गाइस। चलिए, थर्ड बेडरूम में एंटिक करते के साथ मेरे को जो वाइब आई है वो आई है बिल्कुल डिसेंट, बिल्कुल शांत पीसफुल वाइब्स वाला बेडरूम है गाइस ये। जैसे कि आप देख सकते हो जिसके कलर्स है वो बहुत लाइट और न्यूड कलर्स में हमने सारी डिजाइनिंग की हुई है। इवन वॉल्स का जो पेंट है वो भी बिल्कुल डिफरेंट किया हुआ है। यहाँ पे इस वॉल पे आपको पूरा डेकोरेटिव आइटम्स लगा के दिए हुए हैं आपको। और साथ ही साथ फॉल सीलिंग देखिए वो भी बिल्कुल डिसेंट लुक में है। नो कलरफुल फॉल सीलिंग, नॉर्मल वाइट लाइट के साथ आपको फॉल सीलिंग लगा के दी हुई है। और इस बेडरूम में आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो गाइज, यहाँ पे आप अपनी चेयर टेबल लगा के बीन बैग डाल सकते हो ताकि आपका रूम और ही ज़्यादा अच्छा लगे। इस बेडरूम में बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे आप अपना कुछ भी सेटअप कर सकते हो। अगर आप इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंसर हो तो आराम से अपनी वीडियोस बनाने के लिए जगह सेटअप करो, आप गेमिंग खेलते हो तो आराम से बीन बैग करके चिल कर सकते हो। यहाँ पे एक कर्टेंस भी आपको उसी के अकॉर्डिंग लगा के दिए हुए हैं, वेंटिलेशन की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं रहने वाली। इसके साथ साथ विंडोज़ तो आपको दिख ही रही है, बताने की क्या ज़रूरत है, उसके साथ साथ एक वेंटिलेशन का एरिया और है जो कि है ये आपकी बालकनी। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी ह्यूज साइज़ की बालकनी मिलती है आपको यहाँ पे। ये होने वाला है आपका पूरा वॉशिंग एरिया। यहाँ पे स्विच भी दिया हुआ है, टैप भी दी हुई है, ग्रिल्स जो है आपकी और स्टील की और ग्लास की ग्रिल्स आपको यहाँ पे लगा के दी हुई है। और एरिया देख लीजिए, आप अपनी चेयर टेबल यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं। गाइस कितना बढ़िया स्पेस है आपकी बालकनी में। तो गाइस कैसी लगी आपको ये 3 BHK की प्रॉपर्टी? बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हर एक बेडरूम जो है अलग फील दे रहा है। अगर ये वीडियो और ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें। साथ ही साथ ऐसी बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज देखने के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।